सो स्टूडेंट्स, सेकंड नंबर का जो लेसन है मोर मल्टीप्लिकेशन, उसमें आज हम एक्सरसाइज 2.4 इसके बारे में जानकारी लेंगे। फाइंड द प्रोडक्ट, ये जो है आपको नोटबुक में सॉल्व करनी है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पे वंस, टेंस और हंड्रेड लिखा हुआ है, तो कभी भी मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं वंस से सॉल्व करना है। तो 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम। जो मल्टीप्लिकेशन के बारे में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 से 2.3 में सिखाया था, तो देखिए यहाँ पे कैरी बोलती है 6 1 6, यहाँ पे राइट आउट करना है। देन 6 7 42, तो यहाँ पे 42 लिखेंगे इसी तरह से, ऐसे ही बराबर इसमें लिखना है आपको, ठीक है। टेबल्स लर्न होने चाहिए, इस तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे अभी 82 मल्टीप्लाई बाय 5 है, तो चलिए 1 से स्टार्ट करते हैं। पहले 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10। तो यहाँ पे देखिए दो नंबर आते हैं, तब इस साइड का जो रहता है वंस का प्लेस वो हमें लिखना होता है, जो टेंस वाला प्लेस होता है कैरी ओवर देंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से जब डबल नंबर आते हैं तो आपको उसी तरह से कैरी ओवर देना है। देन 8 5 सॉरी 5 8 40, 40 में 1 हम मिलाएंगे 41, तो यहाँ पे इस तरह से लिखना है आपको, 410 आंसर है। नेक्स्ट 57 मल्टीप्लाई बाय 3 है, तो चलिए 37 का करेंगे हम अभी। 37 का 21, 1 लिखा मैंने जो 2 है यहाँ पे ऊपर कैरी दे दिया। 5 3 जा 50, 50 में 2 मिलाएंगे, टोटल होते 70, आंसर आया 171। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे देखिए 93 मल्टीप्लाई बाय 4 है, तो चलिए 4 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 जा 12, 2 मैंने यहाँ पे लिखा है 1 कैरी दे दिया। देन 4 9 जा 36, 36 में 1 मिलाएंगे 37, आंसर आया 372। देन 19 मल्टीप्लाई बाय 5 है, ओके। तो देखिए 9, अभी यहाँ से 5 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होते हैं 5 9 जा 45, तो मैं यहाँ पे 5 लिखती हूँ, 4 यहाँ ऊपर कैरी देती हूँ। देन 5 1 जा 5, ठीक है, और उसमें 4 मिलाएंगे 9, तो आंसर आया है 95। नेक्स्ट है 47 मल्टीप्लाई बाय 3 है, तो चलिए 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7 जा 21, 1 लिखा मैंने, 2 यहाँ पे ऊपर दे दिया कैरी। देन 3 4 जा 12, 12 में 2 लाएंगे, 14 होते हैं, आंसर लिखा है 141। इस तरह से आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, प्रॉपरली अच्छे से सॉल्व करना है, ओके। ये आपको नोटबुक में सॉल्व करके साथ में किताब में भी सॉल्व करना है, उसके फोटो सेंड करने हैं। अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। देखिए इस लेसन के लास्ट एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2.5, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम्स। यहाँ पे आपको वर्ड्स प्रॉब्लम देंगे, वो सॉल्व करने हैं, ओके स्टूडेंट्स। ये नोटबुक में सॉल्व करने हैं या साथ में टेक्स्ट बुक में आप सॉल्व करने हैं। देयर आर 6 बंचेस ऑफ ए बलून, बलून के कितने बंचेस थे 6 थे, एंड 4 बलून इन ईच बंच, और एक इसमें 4 बलून थे, टोटल कितने थे 6, और एक इसमें 4 थे। हाउ मेनी बलून्स आर देयर इन ऑल, टोटल कितने बलून्स हो गए। तो इस टाइप पे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जब भी हमें ज्यादा चीज दिया जाती है उसके बाद उससे भी ज्यादा हमें पूछा जाता है टोटल इकट्ठा करके, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 4 6 बंचेस थे, एक इसमें 4 थे, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 जा 24, टोटल कितने बलून से स्टूडेंट्स 24 बलून। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, किताब में भी इसी तरह से सॉल्व करना है, ओके। देन देयर आर 3 रोज ऑफ ए काइट्स, काइट्स की इतनी रोज है 3 है, विथ 7 काइट्स इन ईच रो, और एक इसमें 7 है, ठीक है, एक इसमें 7 काइट्स है एक रो में, तो वैसे 3 रोज है। हाउ मेनी काइट्स आर देयर इन ऑल, टोटल कितने काइट्स होंगे, ओके। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 3 रोज, एक इसमें कितने काइट्स थे 7, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 7 जा 21, तो कितने काइट्स थे स्टूडेंट्स एक रो में, टोटल मिला के कितनी काइट्स होती है 21 काइट्स, एक इसमें 7 थी 3 इसमें हो गए, टोटली 21 काइट्स। नेक्स्ट देयर आर 5 बॉक्सेस ऑफ दिया, ईच इज बॉक्स हैज अ 6 दिया, टोटली जो है दिया के बॉक्स है 5, एक बॉक्स में 6 दिया है। हाउ मेनी दिया आर देयर इन ऑल, टोटली कितने दिए होंगे, तो टोटल बॉक्स कितने थे पहले 5, ऐसे कितने दिया था एक, एक इसमें 6 है, तो 5 6 जा 30, देन कितने बॉक्स है, तो स्टूडेंट्स टोटली 6 बॉक्स में 30 दिए थे, इस तरह सॉल्व करने हैं, ओके।
और आपके किताब में जैसे कि हर जगह पे आपको प्राइस दिखेगा, उस जगह पे आपको नेम चेंज करने हैं, जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसके बारे में ही लिखना है। तो ये जो एक्सरसाइज 2.5 है आपको किताब में सॉल्व करनी है, साथ में आपके नोटबुक में सॉल्व करनी है। रिमेनिंग जो प्रॉब्लम्स है ये भी आपको नोटबुक में राइट डाउन करना है, रिमेनिंग प्रॉब्लम आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने एक्सरसाइज 2.4 2.5 के बारे में जानकर ली है। तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना है, अंडरस्टैंड करना है, देन इसके एक्सरसाइज सॉल्व करके उसके फोटोज मुझे सेंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टॉप हियर।